हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एंड ए एंड बी एट सम एंगल थीटा, और एक दूसरा वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा। तो हम बी के दो कंपोनेंट्स बना रहे थे, जो ए के पैरेलल है दैट इज बी कॉस थीटा, और जो ए के परपेंडिकुलर है दैट इज बी साइन थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ बी विच इज पैरेलल टू ए। इस केस में अगर हम लिखें इसका, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। मींस यू कैन से इट्स ए इनटू बी परपेंडिकुलर और इट्स ए इनटू बी साइन थीटा। पर हमने क्योंकि कहा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वी राइट इन दिस फॉर्म कि ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन डिनोट करने के लिए वी यूज द यूनिट वेक्टर एन। So, ये जो n cap है, is it this denotes direction of a cross b, direction of a cross b। Direction जब निकालनी है तो हम जो method use करेंगे that's called right hand curl rule। राइट हैंड की फिंगर्स को ए क्रॉस बी के डायरेक्शन निकालनी है तो पहले ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड की फिंगर्स को रखो ए पे, ए पे राइट हैंड की फिंगर्स को रख के बी की तरफ टर्न कर दो तो थंब गिव्स यू द डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बी क्रॉस ए करना है तो बी पे हाथ रख के ए की तरफ टर्न करना है, तो पीछे टर्न नहीं होगा तो हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी अगर आउटवर्ड आएगा, बी क्रॉस ए इनवर्ड आएगा, तो राइट हैंड की फिंगर्स ए पे रख के बी की तरफ टर्न कर दो, थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। डायरेक्शन समझ आई सबको कैसे निकालने की, राइट हैंड की फिंगर्स को ए पे रखना है और बी की तरफ फिंगर्स को टर्न कर दो तो थंब गिव्स यू द डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, इसका ए के साथ भी एंगल 90 बनेगा और बी के साथ भी एंगल 90 बनेगा। इतना क्लियर? यस सर। ये तो हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हो गया ए बी साइन थीटा। एन कैप की जो डायरेक्शन आ गई वो आ गई ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, यहाँ तो आउटवर्ड्स आएगी, बी क्रॉस ए करोगे तो इनवर्ड्स आ जाएगी। अब कल जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या आया था? वन, और बाकी सारे पेयर्स जीरो आ गए थे। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स
कोलिनियर वेक्टर्स हमने लिए थे, दो तरह के होते हैं, यहाँ तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स है तो एंगल जीरो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है तो 180। तो हमने कहा अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो थीटा की वैल्यू यहाँ तो हो सकती है, अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो थीटा 0 डिग्री होगा दोनों में एंगल, और अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स है तो थीटा 180। अगर ए और बी पैरेलल है तो ए क्रॉस बी इज ए बी साइन 0, साइन 0 इज 0। सिमिलरली साइन 180 क्या होगा, ऑल्सो 0। इसका मतलब कभी भी आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब कल जब डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमने कंसेप्ट किया था कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए यू प्रूफ द डॉट प्रोडक्ट टू बी 0। कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि दो वेक्टर्स को प्रूफ कर दो कि वो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो प्रूफ द क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। सो टू प्रूफ टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, to prove two vectors a and b to be parallel or anti-parallel, मतलब collinear proof करना है basically। अगर we will prove a cross b is equal to 0, b cross a करोगे वो भी same ही आएगा कि a cross b या b cross a को 0 proof कर दो। ये क्लियर है सब? यस सर। नेक्स्ट इज कि अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, आई क्रॉस आई ये आई कैप और ये दोनों आई कैप जो है दे आर पैरेलल वेक्टर्स, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब आई को हम ले रहे हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अरे वाई एक्सिस। अगर मैं पूछूं i क्रॉस j किसके इक्वल होगा, i क्रॉस j कौन सी डायरेक्शन बनेगी, i पे हाथ रख के j की तरफ टर्न, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, z एक्सिस। i क्रॉस j इज k कैप, देखो आया समझ जी। सॉरी एक और दोबारा तो i पे हाथ रख के जे की तरफ टर्न करो, जेड एक्सिस आ गया, तो आई क्रॉस जे इज के। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता जे क्रॉस के, के कौन सी डायरेक्शन है, जेड एक्सिस, मतलब ये बाहर की तरफ, तो आई कैप, तो जे पे हाथ रख के की तरफ टर्न, तो एक्स एक्सिस बन जाएगा के क्रॉस आई, ये के और ये आई, तो के पे हाथ रख के आई की तरफ टर्न। इसको याद रखने का एक इजी वे होता है, आई जे के इस फॉर्म में लिख लो, अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो जो दो का प्रोडक्ट होगा वो थर्ड के इक्वल होगा और पॉजिटिव होगा, मतलब जैसे आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई और के क्रॉस आई इज जे। समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल, जे क्रॉस के का प्रोडक्ट आई के इक्वल, के क्रॉस आई का प्रोडक्ट
जे के इक्वल। ये अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट लूं तो आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस जे इन दोनों का प्रोडक्ट के क्रॉस आई माइनस आई एंड जे क्रॉस आई याद रह जाएगा ऐसे बिकॉज आपको हर बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप सिंपल सर्कल से देख सकते हो कि क्या आएगा। ये समझ में आया कैसे लिखा है? I cross I, J, K cross K, zero. Clockwise चलोगे तो इन दोनों का product I से J की तरफ है, I cross J is K, फिर J cross K is I, K cross I is J. उल्टा चलेंगे तो negative. I cross K is minus J. इसका reason क्या होता है? वो direction निकाल के रूल बनाया ना, तो shortcut बनाया। Otherwise direction तो ऐसे ही निकल रही है कि I पे आकर के J की तरफ turn किया तो K आ रहा है। भाई हाथ से करने की जरूरत नहीं ना, मैं ऐसे ही याद रख सकते हो। नहीं सर, वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? अब जे क्रॉस आई देखो क्या आएगा। जे क्रॉस आई की डायरेक्शन जे पे याद रख के आई की तरफ, तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है? इनवर्स माइनस के माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉमुटेटिव और नॉट? आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई इक्वल है या नहीं है? तो क्या बोले फिर? क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटीकॉमोडेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटीकॉमोडेटिव। एंटीकॉमोडेटिव का मतलब है कि ए क्रॉस बी जो होगा दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू A क्रॉस B और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसका जो फिजिकल मीनिंग बनेगा इंप्लाइज A क्रॉस B एंड B क्रॉस A हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जैसे टॉक है, टॉक का फॉर्मूला क्या था? R क्रॉस F। तो इसको आप F क्रॉस R नहीं लिख सकते, बिकॉज़ वो F क्रॉस R और R क्रॉस F इक्वल नहीं है। अगर आपको टॉक की डायरेक्शन निकालनी है तो R पे हाथ रख के F की तरफ टर्न करना है। अगर आप F पे रख के R की तरफ टर्न करोगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो R क्रॉस F इज नॉट इक्वल टू F क्रॉस R। टॉक की डायरेक्शन निकालनी है, ऑलवेज प्लेस द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ R, टर्न इट टुवर्ड्स F। पूछो सर, I क्रॉस K माइनस J कैसे है? वो तो मतलब पॉजिटिव को नहीं आ रहा है। अरे I क्रॉस K माइनस J कैसे है? ये I क्रॉस और ये K, तो I पे हाथ रख के K की तरफ टर्न करो। I पे हाथ रख के K की तरफ टर्न माइनस J। टर्न करके देखो ना, अपने रजिस्टर में मार्क करो, फिर पता चलेगा कि आई पे हाथ रखना है। आई क्रॉस जे तो ऐसे हो जाएगा, तो आई क्रॉस माइन सॉरी आई क्रॉस के ऐसे है कि ये आई है के, तो आई पे हाथ रख के की तरफ टर्न, तो ऐसे तो टर्न ही नहीं होना। समझ आया इतना? सर आई क्रॉस आई क्रॉस आई और आई पैरेलल वेक्टर्स है। yes. और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। चले मैं आपको दूं से, मान लो ए इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी इज बी एक्स आई प्लस बी जेड के, फाइन।
ए डॉट ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए डॉट ए क्रॉस बी की फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो जीरो. क्यों जीरो क्यों होगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कौन सी होती है? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है. मतलब ये ए क्रॉस बी और ए परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी और ए परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आएगा. ये हमने कल किया था कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो दिस इज ऑलवेज जीरो. और सिंपल अगर आपने रीजन लिखना है, you can say because A cross B is perpendicular to A. समझ में आया या नहीं आया कि A cross B dot A zero क्यों है? क्योंकि A cross B A के perpendicular है. Similarly B dot A cross B पूछता वो भी zero ही आता. Sir. हाँ जी. कुछ नहीं sir, मैं तो हाँ. Okay. Next. सर एक बार वो बताना कि ए क्रॉस बी का जो आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा. आपने अगर दो वेक्टर्स लिए, मान लो ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कौन सी आ रही है? सर ए की तरफ. अब इस पेन में और ए में एंगल कितना है? 90. और पेन और बी में भी 90. नेक्स्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट फॉर्म. क्योंकि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इसमें भी एक मेथड तो है कि अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है तो मैं पहले ए एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं ए एक्स आई का इन तीनों के साथ, फिर ए वाई जे का, फिर ए जेड के का. बट इसके लिए हम एक मैथ्स में मेथड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड. आई जे के ऐसे लिख लो, आई के नीचे ए एक्स, ए क्रॉस बी निकालना है तो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स. जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है पहले लिखो आई कैप, आई के नीचे वाला कॉलम छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मतलब इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, तो कौन से चार एलिमेंट्स बचे? क्रॉस सब्ट्रैक्शन. हमने इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन मतलब ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड. अब मैथ्स में टर्मिनोलॉजी होती है, इसको सॉल्व करने का जो शॉर्टकट बनाया, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो सेकंड इज नॉट जे माइनस जे. अब जे के नीचे वाला कॉलम छोड़ दो, हमने इसको छोड़ दिया, चार एलिमेंट्स कौन से बचे? ए एक्स बी जेड, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस बी एक्स ए जेड. थर्ड टर्म फिर पॉजिटिव. अब के क्या बताओ क्या आएगी, इसको छोड़ दो, क्रॉस सब्ट्रैक्शन, दिस माइनस दिस एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए. समझ में आया कैसे लिखा है रिजल्ट?
दूसरा नॉर्मल मेथड तो है ये, बट वो बहुत लेंथी हो जाता है कि पहले ए एक्स आई का इन तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ए वाई जे का इन तीनों के साथ, फिर ए जेड के का। अब डायरेक्ट कर सकते हो, क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन इसमें आती है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। वी से इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स आर एनी टू वेक्टर्स विच आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर होते तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। A and B are any two vectors which are non-collinear. अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसा वेक्टर बताओ जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, A क्रॉस B या B क्रॉस A। सो अगर A और B कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू both A and B ये पॉइंट क्लियर सबको कि वेक्टर जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है इट्स A क्रॉस B, क्लियर? आपको बताना यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वी कैन सी यूनिट वेक्टर perpendicular to both A and B. ये A cross B हो गया vector perpendicular to A and B, तो unit vector perpendicular to A and B is A cross B divided by magnitude of A cross B. ये unit vector ही बनेगा? Yes. और क्योंकि A क्रॉस B परपेंडिकुलर है A और B दोनों के, तो यूनिट वेक्टर भी A और B दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है स्कूल एग्जाम्स में, अगर आपको है कि यूनिट वेक्टर बताओ जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एज वेल एज B इज A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, क्लियर है? मान लो अब आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया सर। हाँ जी सर, जो ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड होता है ना? हाँ, वो मैग्नीट्यूड होता है सर। अगर इसमें वैल्यू पुट कर दे तो सर वहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट तो नहीं आता? क्या नहीं आता? डिफरेंट रिजल्ट तो नहीं आता मतलब? तो आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा ना पहले उसके लिए। तो जैसे मैंने ऐसे दो वेक्टर दे दिए, तो यहाँ तो पहले साइन थीटा निकालो कि वो बहुत लेंथी हो जाएगा। मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर, तो आप फाइंड ए क्रॉस बी एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए क्रॉस बी अगर निकालना है मेरे को, तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिख लो इसकी। ए क्रॉस बी इज आई जे के। ए एक्स कितना है? थ्री। ए वाई? टू माइनस थ्री। सिमिलरली बी एक्स आई कैप किसके? आई कैप एंड मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? इसको छोड़ दो। थ्री इंटू थ्री माइनस एट प्लस नाइन फोर टू प्लस नाइन जे कैप जे नेगेटिव लेना माइनस सिक्स प्लस के कैप इसको छोड़ो नाइन प्लस फोर प्लस तो ये वेक्टर आ गया विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी।
एन कैप इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मीन्स 17i - 6j + 13k. मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा? 1 × b = 0 अगर आपको बताना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी, तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, यहाँ से आप प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे मैंने ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल ली, ए वेक्टर कौन सा था? ए वेक्टर वाज 3i + 2j - 3k। अगर मैथमेटिकली प्रूफ करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ए क्रॉस बी और ए का? जीरो आएगा। तो जीरो प्रूफ करने के लिए कह रहा हूं। 3 × 17 प्लस 2 × -6 माइनस 3 × 13, सो दिस इज 51 माइनस 12 माइनस 39। आप प्रूफ कर सकते हो ना कि ए डॉट ए क्रॉस बी सीधो ही आएगा वैल्यूज पुट करके भी। यहां तक क्लियर? यस। नेक्स्ट आता है एरिया निकालना, ट्रायंगल का या पैरेललोग्राम का। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स गिवन है, इसी साइड मैंने खुद बना दी कि ट्रायंगल की दो साइड्स हैं ए एंड बी, ये एंगल थीटा। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एंड बी रिप्रेजेंट्स टू साइड्स, कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया आपको? हाफ बेस इनटू हाइट। इसमें बेस कितनी है? ए। ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये साइड बी, ये साइड एच। साइन थीटा किसके इक्वल है? बी बाय एच। साइन थीटा बी बाय एच, एच बाई बी। एच बाई बी, एच बाई बी। तो एच कितना आ गया? बी साइन थीटा। बेस है ए और हाइट है बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, तो अगर दो साइड्स पता है ए और बी, तो जो एरिया होगा ए क्रॉस बी निकाल के उसका हाफ कर दो। समझ आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स दी होती, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। यस सर। तो उस केस में क्या आ जाएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट है, अगर ये पैरेललोग्राम की दो साइड्स दी हैं, तो इस पैरेललोग्राम को अगर मैं पूरा करूं, ये साइड ए, ये बी है थीटा, ये बी साइन थीटा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू बी साइन थीटा। दिस इज सिमिलरली
if two sides of parallelogram are given. Then area of parallelogram is अगर वो दो साइड्स की जगह पैरेललोग्राम के दो डायगनल्स दे रहे हैं फिर निकाल सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके दो डायगनल्स दे दिए डायगनल से पहले साइड निकालनी पड़ेगी बिकॉज पैरेललोग्राम अगर मैं बनाता हूँ ट्रायंगल वाले साइड से निकाल सकते हैं। मान लो मैंने ऐसे पैरेललोग्राम लॉ बनाया, पैरेललोग्राम बनाया, इसका एक डायगनल ये साइड ए, ये साइड बी, एक डायगनल कौन सा होगा, ये डायगनल है, दिस इज ए प्लस बी, पैरेललोग्राम में लॉ यही था, एक डायगनल तो ए प्लस बी हो जाएगा। दूसरा डायगनल क्या होता है पैरेललोग्राम का, ये डायगनल किसके इक्वल होगा? सेम होगा ए माइनस बी, सेम ही होगा। एक डायगनल ए प्लस बी होगा, एक ए माइनस बी होगा, या बी माइनस ए भी हो सकता है। ट्राइंगल लॉ पता है क्या होता, ऐसे देखो ये साइड बी, ये दूसरा डायगनल और ये साइड ए, बी के हेड के साथ सी की टेल, तो क्लोजिंग साइड क्या होगी? मैं आपसे पूछूं बी प्लस सी किसके इक्वल होगा? ए के। हाँ तो ए इज बी प्लस सी, तो सी कितना हो गया ए माइनस बी। तो अगर दो डायगनल्स थी हैं, एक डायगनल ए प्लस बी होता है, एक ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी की वैल्यू पता है, ए माइनस बी की पता है, वहां से पहले ए और बी निकाल लेंगे एंड देन यू कैन से दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ, पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो प्रूफ कर दो। अगर आपको वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी निकालना है। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको ट्रायंगल की दो साइड्स दी हैं ए और बी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। पैरेललोग्राम की दो साइड्स दी हैं तो इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। डायगनल्स दिए हैं तो एक डायगनल ए प्लस बी के इक्वल, दूसरा ए माइनस बी के इक्वल। पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर एरिया जो होगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ तक देखो, इसमें कुछ है डाउट तो ठीक है। ये जो आपने लास्ट फिगर बनाई है उसमें जो डायगनल की है उसका हेड ऊपर भी तो हो सकता है। अरे यार आप इसको डायगनल ऐसे क्यों देख रहे हो? ये देख, ट्रायंगल की दो साइड्स बना ली मैंने, ठीक है, बी के हेड के साथ सी की टेल। मैं पूछूं इसका रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का? बी प्लस सी किसका इक्वल होगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर का हेड। यस सर। और वो कौन सा वेक्टर है? ए। तो बी प्लस सी इज ए, तो सी इज ए माइनस बी। यस सर।